फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और हमने शुरुआत कर दिए हैं अपनी ब्लॉग की। तो चलिए दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं और कौन सी ब्लॉग होगी, किस टाइप की होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स, हमारे पास ड्रेस आए हुए हैं सिलने को, तो मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कौन सा है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सूट जो है ये आया हुआ है चौक बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो साइड का अब ये फिटिंग हो गई है उनको, तो मतलब इसको हमें लूज भी करना है और इसकी चौक जो है ये भी हमें बनाकर देना है ऑलरेडी। तो मैं इसे दिखाती हूँ, ये जो चौक है इसको हमें बनाना है। तो ये जो फिटिंग होती है इसको खोल कर हमें वापस से जो लास्ट एंडिंग में सिलाई है यहाँ पर लेना पड़ेगा और इसका चौक भी हमें बनाना पड़ेगा। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोनों साइड का हमें इसी तरह का करना है क्योंकि ये ज़्यादा टाइट है, तो इसको हमें लूज करना है और चौक भी इसका बना कर देना है। तो इसमें कितने ड्रेस आए हैं मैं आपको बताती हूँ। एक हो गया और पंखा चालू है, ये नहीं पंखा नहीं चालू है, हवे से उड़ रहा है कपड़ा। और दूसरा ड्रेस है ये वाला, ये भी सेम उसी प्रकार का है। और देखिए इसका गला बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ये भी आया हुआ है, तो इसका भी सेम काम करना है। तो ये भी मैं जब चौक का काम कर दूंगी फ्रेंड्स तो मैं दिखाऊंगी। तो इसकी भी सिलाई जो है एंडिंग में हम करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कट लगा दिया हुआ है, तो पूरा एंडिंग तक तो हम सिलाई इसका नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट तक हम लेंगे, कोशिश करूँगी इसको बनाने की। और जब मैं बना लूँगी तो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ। इसका भी चौक का ही काम है, तो दोनों बाजू चौक का काम है, तो इसको हम करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया दो, अब ये दो जोड़ी यहाँ पर हम रख दे, और इधर हो गया है, ये भी आया हुआ है ड्रेस। तो देखिए बहुत ही प्यारा ड्रेस, ये भी दिखाते हैं आपको नज़दीक से, बहुत ही प्यारा लगा मुझे को, अच्छा लग रहा है। और इसका भी सेम वैसा ही करना है, इसका भी चौक का ही काम है और इसकी जो फिटिंग है थोड़ा सा लूज करना है, बाकी का कुछ नहीं करना। आस्तीन का काम तो करना ही नहीं है, और इसकी आस्तीन भी बहुत प्यारी लगती है मुझको, दोनों तरफ की देख लीजिए। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में, और दूसरा वाला मैं दिखाती हूँ। तो ये भी ड्रेस है, देखिए बहुत ही प्यारा है, डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये लंबाई है, और इसका भी सेम काम करना है फ्रेंड्स, ये चौक का काम ही है इसका भी। तो ये भी बहुत टाइट पड़ गया है उनको, तो ये भी इसको भी लूज करना है और इसका चौकिंग का काम मतलब चौक का काम करना है। तो दोनों बाजू हमें चौक बनाना है, तो देख सकते हो आप लोग, मैं दिखाऊंगी। और इसकी भी आस्तीन मुझे बहुत प्यारी लगी, अंदर कपड़ा है बाहर से नेट है, और इसका गला देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये हमारी पुरानी कस्टमर हैं जो, क्योंकि हमारी बेटी भी लगती हैं और हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, तो हमेशा हमारे पास ही देते हैं वो लोग। ये वाला करके देना पड़ेगा, तो ये दोनों ज़रूरी है सिलना, तो मैं टाइम पर तैयार करके दे दूँगी। तो चलिए हम रख देते हैं और इसको सिलेंगे, तो उसका भी व्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे ब्लॉग कि हम किस तरह से सिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे माप ले रही हूँ और देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कपड़ा सिलने के लिए मैं बैठ गई हूँ फ्रेंड्स। तो जो इसकी पुरानी सिलाई थी उसको हमने निकाल दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ मैं अपनी सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये ड्रेस जो है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये लूज करने के लिए आया हुआ था, और लूज के साथ साथ इसे चौक भी बनाना है इसका दोनों बाजू का। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह का चौक बनाते हैं और कैसे इसको फिटिंग से लूज में लेकर आते हैं, लूज करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टाइट हो रहा था, जिसका जो कस्टमर का ड्रेस है तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो और ड्रेस बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि इसको आप लूज कर दीजिए और इसकी चौक भी खोलकर और दूसरा चौक लगा दीजिए। तो इसको हम नया चौक बनाएंगे और इसकी जो फिटिंग है उसको भी हम लूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा सिलाई था बाकी का, तो जो चौक की सिलाई है वो भी हम खोल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से फटाफट से खोलती हूँ, तो मैं जल्दी से क्यों खुल जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दोनों तरफ से सिलाई खोलती हूँ तो बहुत ही जल्दी आसानी से खुल जाता है। एक तरफ से सिलाई खोलेंगे तो कभी नहीं खुलेगा और कपड़ा फट जाएगा, तो ज़्यादा कोशिश करें कि दोनों तरफ से धागे को खींच कर खोलें तो सिलाई अच्छे से खुल जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सारा सिलाई जो है
निकाल लिया हुआ है खोल के, और पुरानी सिलाई जो थी वो नीचे थी, उसे देखिए मैंने कितना 1 इंच से ज़्यादा लूज किया हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टाइट पड़ रहा था ये कपड़ा, तो इसको हमने लूज कर दिया हुआ है उनके मेजरमेंट के हिसाब से, तो देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें करना है चौक का काम, तो देखिए यहाँ पे जो चौक है उस हिसाब से हमने उतना ही सिलाई खोला था जितना हमें ज़रूरत है, और अब हमने जितना खोला था सिलाई वहाँ से हमें घाव चला देना है फ्रेंड्स, मतलब सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने कपड़े को मोड़ते हुए और इस तरह से मैं लगा दूंगी सिलाई इस पर, तो बहुत ही बेहतरीन सिलाई इस पर लग के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग देखना बताना मुझे, देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, तो देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बन चुका है। तो जिसको अगर चौक लगाना नहीं आ रहा है, मतलब पुराने ड्रेस का चौक जो है खोल कर और उसको लूज करें और फिर से दूसरा चौक बनाएं, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है। और मैं इसी तरह से दूसरे बाजू भी बना ली हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए। और यहाँ पे पक्की सिलाई भी हमने लगा लिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए पक्की सिलाई जो साइड में लगती है वही सिलाई, उसको पक्की सिलाई बोलते हैं। तो देखिए कितना प्यारा हमारा चौक रेडी हुआ है बनकर माशाल्लाह से। फ्रेंड्स ड्रेस हमारा जो है रेडी हो चुका है और इसको हमने सिल लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स हमने कहाँ से कहाँ तक सिलाई मारा हुआ है, हमने पूरी जो इसकी पुरानी सिलाई थी सब हमने निकाल दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे जो निशान दिखाई दे रहा है ये उनकी पुरानी सिलाई थी, हमने नया सिलाई जो लगाया हुआ है ये वाली है ऊपर वाली, और हमने चौक भी माशाल्लाह से बना लिया हुआ है। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैंने एक ही ड्रेस बनाया हुआ है और दूसरा बनाऊंगी वो मैं अगले दिन बनाऊंगी, आज नहीं बनाने वाली हूँ। ये मैंने पूरा ओके कर दिया है, ये दूसरा बाजू है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो मैंने दोनों तरफ का अच्छे से इसकी जो फिटिंग थी वो मैंने अच्छे से लूज कर दिया हो, बहुत ही ज़्यादा ये टाइट था। तो इसको मैं दिखाती हूँ सीधा करके कि ये कैसा दिख रहा है हमारे सिलने के बाद। तो इसको मैंने पलट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो हमने बना लिया हुआ माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो काफ़ी सारा काम होता है ना फ्रेंड्स घर में, तो एक ही दिन में सारा ड्रेस नहीं बना पाऊंगी। जैसा जैसा मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, खाना भी पकाना होता है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी करवाना होता है, और हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो भी करना होता है, तो इसीलिए मैं सारा चीज़ एक साथ नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने एक ड्रेस बनाया हुआ है और एक बनाऊँगी मैं क्लास के टाइम पर, जो मेरा क्लास ओवर होगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए हमने यहाँ से फिटिंग जो शोल्डर के ऊपर से लिया हुआ है, यहाँ से हमने कमर तक का लिया हुआ था, मतलब चौक तक का। तो अब जब इस्त्री मार देंगे ना फ्रेंड्स, तो इसकी जो सिलाई है अच्छे से मतलब बैठ जाएगी, और जो हमने मतलब खोला हुआ सिलाई है वो कपड़ा भी बैठ जाएगा। तो चौक हमारा परफेक्ट आया हुआ है और लूज भी हो गया है माशाल्लाह से। तो मैं कितना सिलाई खोली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाई देता होगा आप लोगों को। ये देखिए सिलाई हमने खोला हुआ है, जो इस तरह का दिखाई है, जो कपड़ा सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है वो सिलाई खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स तो ब्लॉग हमारा कैसा लगता है फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रेस हमारे सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, इसमें के एक ड्रेस और रह गए हैं, लेकिन वो आज नहीं मैं करूँगी, वो मैं कल या परसों करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे तैयार हो चुके हैं और जो ज़रूरी है फ्रेंड्स उसको हमने करके रख दिया है। तो जैसे कि घड़ी कर रही हूँ फ्रेंड्स, और घड़ी कर इसको हमें देना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से घड़ी वगैरह कर लेती हूँ, तो देखिए मैं किस तरह से करती हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे आता है मैं उसी तरह से कर देती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे मैं उनकी कैरी बैग में डाल के रख देती हूँ, तो अभी आने वाली हैं तो लेके जाएंगे वो। तो एक जोड़ी रह गया, वो मैं बाद में करूँगी, बाकी के 3 जोड़ी मैंने रेडी कर दिया हुआ है, तो ये तीनों के तीनों अभी मैं दे देती हूँ। और एक अगर कर पाऊँगी तो वो भी साथ में दे दूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ज़रूर मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो है रेडी हो चुका है कपड़ा, तो देख सकते हो हमने इस तरह से कैरी बैग में घड़ी करके रख दिया हुआ है। अब मैं दे रही हूँ।